अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी, मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी काइंडली रबीका की भी लुक क्रिएट करके दिखाएं, तो ये मैंने बहुत कोशिश की है कि जैसा कर पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया था, उसके बाद पार्टी क्वीन का जो प्राइमर है वो अप्लाई किया। वो जो हमारे पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है, ब्लर कर देता है। उसके बाद मैंने अपनी जो आईब्रो को हली हली जगह थी वहाँ पर मैंने उनको फिल किया और स्पूली की हेल्प से अच्छे तरीके से उनको मैंने इक्वल कर दिया। उसके बाद आइवरी कलर था टीवी पेंट स्टिक का, उसकी हेल्प से मैंने अपनी आईब्रो को कंसील किया। ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। पहले आपने मेरी आईब्रो देखी होंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक आईब्रो मेरी हो चुकी हैं, तो उनकी भी नॉर्मली थी आईब्रोज जो थी। उसके बाद मैंने अपने डार्क सर्कल को जो है वो मैंने कलर करेक्टर के साथ उनको हाइड किया। और योर्स पैलेट है ब्यूटी ग्लेयर्स की, बहुत ज़बरदस्त है, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत कलर्स हैं इनमें जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो कलर्स हैं इनके साथ जो है मैं ये मेकअप की जो लुक है वो क्रिएट करूंगी। ये तकरीबन 2-3 शेड्स हैं, एक मेटालिक है, 2 जो हैं बिल्कुल लाइट से कलर हैं। ये देखें बिल्कुल जो मैंने सॉकेट एरिया है उसको मैंने कवर किया है, वो बहुत जो बड़ा सा फ्लफ़ी सा ब्रश है उसकी हेल्प से मैंने प्रोडक्ट उठाया और अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद ये एक लोकल सी मार्केट से मैंने ये मेटालिक सा शेड है जो उनकी आईलिड पर अप्लाई हुआ हुआ था। आजकल आपको पता है जस्ट 2 जो आई शेड्स हैं उनकी हेल्प से ही मेकअप हो रहा है, और बहुत सॉफ्ट मेकअप था उनका भी, बहुत प्यारा लग रहा था। सिर्फ आईज़ के अंदर काजल था। ये देखिए ये मैं हाशमी का काजल है, ऑल्ड इज़ गोल्ड, ये मैं काफ़ी वीडियोस में भी अप्लाई कर चुकी हूँ, आँख के अंदर लगा चुकी हूँ। इसके अलावा और भी बड़े प्यारे प्यारे से जो जेल लाइनर है आप वो भी लगा सकते हैं। काजल अप्लाई करने के बाद ये डार्क ब्राउन कलर है एक्वा का, ये मैं लोअर लैश के बिल्कुल साथ साथ लगा रही हूँ क्योंकि रबीका की आंख के साथ जो लोअर लैश है बिल्कुल साथ साथ ऐसे ही ब्लैकिश आइज थी और स्मर्ज किया हुआ था, तो मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से वही कलर जो मैंने सॉकेट एरिया पर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लेके ये लोअर लैश का जो लाइनर मैंने लगाया है अभी उसको मैं स्मर्ज कर दूँगी अच्छे तरीके से ताकि वो एक लाइन जो है खूबसूरत दिखे। अच्छा, इसके बाद ये मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी अपनी आईलैशेस के ऊपर, अच्छे तरीके से मस्कारा लगाऊंगी। और अच्छा, रबीका की जो आईज़ है उसका जो एज है वहाँ कहीं कहीं लग रहा था जैसे ना थोड़ा सा ब्राउनिश सा शेड है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा टच दिया है डार्क ब्राउन शेड लेके। आप भी किसी भी पैलेट में से लेके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करनी है आपने भी। उसके बाद लाइनर लगाया मैंने एज़ यूजुअल, बिल्कुल आपने आगे से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल दरमियान से स्टार्ट करना है और आस्ता आस्ता। ये देखिए मैं बिल्कुल क्लोज आपको दिखा रही हूँ, इसका जो लाइनर था बिल्कुल छोटा सा विंग था। उसके बाद ये आईलैशेस मैंने आपको भी दिखाई हैं, बहुत खूबसूरत लाइट वेटेड हैं। आपने आईलैशेस अक्सर आपने देखा होगा आप उतारते हैं उसके ऊपर से रैपर के ऊपर से तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। आपने थोड़ा सा इसको इसी तरह फोल्ड करना है जिस तरह मैंने किया है आईलैशेस को, और स्वीट टच की गम के साथ मैंने लगा ली। अब जो इनर कॉर्नर हैं उनको, उन पर भी मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। तो अब मैं अपनी बेस कंप्लीट करूँगी। बेस जो है ये मिलानी की है और इसका नंबर भी मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे फेस के अकॉर्डिंग थी, बहुत लाइट वेटेड और ज़बरदस्त फुल कवरेज फाउंडेशन थी ये। इसको अच्छे तरीके से टैप टैप करके मैंने अप्लाई किया। और जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो रिवाज का है, ये नंबर भी मैंने इसका मेंशन कर दिया, आप देख लें 2 नंबर है इसका, बिल्कुल मेरे फेस के अकॉर्डिंगली था। इसको भी मैंने टैप टैप करके अप्लाई किया। और उसके बाद मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग करूँगी, जस्ट नोज़ की कंटूरिंग करूँगी क्योंकि फेस जो है थोड़ा स्लिम था, तो ये पिंक सा एक शेड है मेरे पास, ये भी मैंने लोकल ही लिया था, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड की चीज़ें हों तो हम काम कर सकते हैं, देखें बहुत अफोर्डेबल है ये भी। और अच्छे तरीके से ये देखें मैंने अपनी नोज़ की टिप पर, चिन पर और सब एरिया पर मैंने ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है, ये मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा स्माइल करके लगाना है, उससे ये होगा आपको समझ आ जाएगी कि इस जगह पर हमने ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है।
क्लेजोना का ये 504 नंबर है, बहुत अच्छा, सेम वही शेड था जो उन्होंने लगाया हुआ था। मेरी कोशिश थी सेम वैसे ही करूँ, तो ये देखिए फाइनली लुक मेरे मेकअप की। और मज़ीद फाइनली लुक अब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी सारी ज्वेलरी वेयर करके और हेयर डू करके। ये देखें, ये फाइनली मेरी लुक है, तकरीबन कह ले मिलती जुलती ही है। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो मेकअप मैंने किया है, जो लुक क्रिएट की है, आपको वो भी समझ आ गई होगी। आप लोग भी बहुत इजीली घर में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है आईलैशेस और लेंस ही अकेले अप्लाई कर लें तो लुक चेंज हो जाती है। तो आप बहुत लाइट सा ये मेकअप करके ये लुक अचीव कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।